और सूरत से हितेन बिटलानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सूरत की क्या स्थिति है हितेन अभी इस वक्त, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे थे कि सुबह का सूरज उगे उससे पहले हम गिरफ्तार कर लेंगे अपराधियों को। 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या अभी और भी लोग पुलिस की रडार पर है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, पूरे इलाके के सारे सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अगर मैं अनुराग आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तबाही की तस्वीर आप देखेंगे, ये सारी ऑटो जो है किस तरीके से तोड़फोड़ दी गई। अब देखिए यहाँ पर चार ऑटो है, वहाँ पर एक पांचवी ऑटो है, लेकिन जो सीसीटीवी है आप देखिए, पुलिस के पास सारे एविडेंस मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पर सूरत पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा में और ट्रैफिक के इंतजाम में जो सीसीटीवी लगाए गए उसमें पूरी ये तस्वीर कैद हुई थी। ये सामने सैयदपुरा पुलिस चौकी है जहाँ पर घेराव किया गया था, जब पथराव हुआ यहाँ से ठीक सामने वाली जो गली है, मैं अपने विजय से कहूँगा तस्वीर दिखाया, जहाँ से ये स्वॉट की गाड़ी मुड़ रही है उसी गली के अंदर 100 मीटर की दूरी पर वो गणेश पंडाल है, वहाँ पर करीब रात में 11 बजे के बाद करीब 3 से 4 लोग ऑटो में पहुँचते हैं और पंडाल पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मूर्ति खंडित करने की कोशिश की गई थी, मूर्ति खंडित नहीं हुई, नीचे के हिस्से में कुछ ज़रूर नुकसान पहुँचा है ये पंडाल की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन उसके बाद जो दो बच्चे वहां पर पथराव करने आए हुए थे उनको लोगों ने वहीं पर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जब धीरे धीरे मामला पूरे इलाके में पूरे सूरत में फैलना शुरू हुआ तो भीड़ जो है इसी पुलिस चौकी पर इकट्ठा हो गई और यहाँ पर मांग कर दी गई कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद आसपास के इलाके से भी, यहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो आसपास के इलाके से भी बताया जा रहा है पथराव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मामला जो है वो देर रात काफ़ी पेचीदा हो गया था। उसके बाद पुलिस को टीयर गैस छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का सा पुलिस को करना पड़ा। दिखाते रहिए, मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। पुलिस छावनी में तब्दील, मुझे ये बताइए कि आपने जैसा बताया कि दो लोग थे, दो बच्चे थे, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो जो लोग थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे क्या और भी लोग थे उस पथराव में? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं उनके मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू पर्व का आयोजन किया जा रहा है, पंडाल लगा जो देश में हर जगह लगता है, ये पथराव क्यों किया गया? क्या सिर्फ ये हिंदू त्यौहार था इसलिए पथराव किया गया? क्योंकि इस तरह की मोडस ऑपरेंडी जो है वो समय समय पर हिंदू त्यौहारों पर देखने को मिली है, चाहे वो दुर्गा पूजा का जुलूस हो चाहे वो कोई और जुलूस हो, क्या सिर्फ हिंदू पर्व इसलिए किया गया है? देखिए ये दावा किया जा रहा है अनुराग के पिछले साल इसी इलाके के एक और पंडाल पर इसी तरीके की हरकत की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पथराव करने वाले थे गणेश पंडाल पर वो बच्चे थे, तो आप सोच सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश है। अब पुलिस इसी बात का पता लगा रही है क्योंकि पुलिस ने 6 बच्चों को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे के पूरे पथराव में थे। संकेत से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि पूरा एरिया अभी भी जो है किस तरह छावनी में तब्दील है। पुलिस ने 6 बच्चों को गिरफ्तार किया है जो पंडाल पर पथराव करने गए थे, उसके अलावा 27 और लोग गिरफ्तार हुए जो इस पूरे के पूरे मामले में उस जब भड़का हिंसा भड़की उसके बाद वो यहाँ पर अलग से पथराव कर रहे थे, उन लोगों को उकसा रहे थे, ये उस मामले में गिरफ्तारी हुई। देखिए 3 अलग अलग FIR हुई है, एक गणेश पंडाल पर पथराव की FIR हुई है, एक उकसाने के मामले में हुई है, एक आगजनी की FIR जो है वो की गई है। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास, सूरत पुलिस के पास ये है कि आपने देर रात तुरंत कार्रवाई करते हुए सबको गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अब उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी ये सबने देखे, जब आप ये कहते हैं वजह क्या थी ये सब, ये बच्चे थे तो पहली बात तो ये कि हिंसा और पथराव करने वाले बच्चे कैसे हो गए, और वाकई अगर उनकी उम्र बहुत छोटी थी तो उनके दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हितेन आप नजर बनाए रखिए, आगे भी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया हितेन हमारे साथ जुड़ने के लिए और